ठीक है, एक ऑप्शन है इसकी, वो मैं लेदर से एक लेक्चर बनाऊंगा ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट का थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें होता है कि अगर आप कोई भी जो एक्सटर्नल वेब जो सॉफ्टवेयर है उसको आप इसके अंदर इंसर्ट करना चाह रहे हैं, इसमें लाकर जो भी आप उसमें लिखेंगे या जो भी डिजाइनिंग बनाएंगे, ठीक है, वो इसमें ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट के जरिए हम कर सकते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं एक यहाँ पर जो इसका पेंट का सॉफ्टवेयर है विंडो का, उसको ओपन करना चाहता हूँ यहाँ पर, और उसमें जो बनाऊंगा वो यहीं पर इंसर्ट हो जाएगा। जैसे इस ऑब्जेक्ट को हमने क्लिक किया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम सॉफ्टवेयर देखेंगे कौन सा हमने इस्तेमाल करना है। तो ये मैं बिट मैप को करूँगा क्लिक, ओके कर दूंगा तो बिट मैप ओपन हो जाएगा इसमें। अब यहाँ पर मैं जो भी चीज़ बनाऊंगा, जैसे मैंने यहाँ पर नाम लिखना है या कुछ भी लिखना है, ये मैंने इधर लिख दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर चाहता हूँ जी, ये होम पर आकर टेक्स्ट वगैरह, ये इसको लाइंस वगैरह जो भी आप यहाँ पर ड्रा करेंगे वो यहाँ पर शो हो जाएगा, जो कुछ भी आप यहाँ पर ड्रा करेंगे। जैसे इसको मैं ड्रा कर लेता हूँ जैसे, ठीक है, इसको मैंने ड्रा कर लिया। अब यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपकी वर्ड में इंसर्ट हो जाएगा। ये देखें, ये ऑटोमेटिकली आपके वर्ड में इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट था। इसके ऊपर मैं एक कंप्लीट लेक्चर बना दूंगा जिससे आप इजीली इसको समझ सकते हैं।